तो बीए पार्ट थर्ड की राजनीति विज्ञान की कक्षा में आज हमारा सब्जेक्ट है लास्ट की पॉलिटिकल साइंस में। इससे पूर्व में भी हमने लास्ट की के विचारों के बारे में जाना था। आज हम जानते हैं लास्ट की के संप्रभुता संबंधी विचार। तो इससे पूर्व में भी आपने पढ़ा होगा संप्रभुता से क्या तात्पर्य है। तो संप्रभुता से तात्पर्य आपने पूर्व में देखा होगा कि इनसे पूर्व हॉब्स, ऑस्टिन, बोदा, ठीक है ना, ये वो लोग हैं जिन्होंने एक थ्योरी दी थी कि राज्य है वो संप्रभु है, अर्थात राज्य सर्वोपरि संस्था है। राज्य, ऑस्टिन कहता है कि राज्य वह संस्था है जो कानून बनाता है, आदेश देने की क्षमता जिसके अंदर है, जो दूसरों को नियंत्रित करता है, ठीक है ना। तो संप्रभुता के इस दृष्टिकोण का कि समस्त संप्रभुता राज्य में निहित है, इस बात के लिए लास्की ने इनसे सहमति प्रदान नहीं की और एकल संप्रभुता के स्थान पर लास्की का हम पढ़ते हैं बहुलवादी संप्रभुता, ठीक है ना। तो बहुलवादी संप्रभुता का क्या अर्थ है? बहुलवादी संप्रभुता का ये अर्थ है कि राज्य के पास समस्त शक्तियां न होकर राज्य भी अन्य समुदायों की तरह ही एक समुदाय है, ये लास्की कहता है, ठीक है। तो इस दृष्टिकोण में हम ये कह सकते हैं कि लास्की का जो दृष्टिकोण है वो काफी उदार रहा है। लास्की इस, तो सबसे पहले इस, यदि ये प्रश्न आता है आपके कि लास्की के बहुलवादी विचारों को स्पष्ट कीजिए, ठीक है, तो इसको अपन दो भागों में आप इसको विभाजित करेंगे। पहले आप ये बताइए कि लास्की ने सबसे पहले जो एकल संप्रभुता सिद्धांत है, ठीक है ना, सबसे पहले तो उन्होंने एकल संप्रभुता का खंडन किया। तो पहले तो आप इसको, जब ये प्रश्न आता है कि लास्की के बहुलवाद पर विचार लिखिए, तो आप सबसे पहले तो ये बताएंगे कि लास्की किस प्रकार जो हॉब्स, ऑस्टिन, बोदा जैसे विचारकों ने ये माना कि राज्य ही सर्वोच्च है, राज्य ही कानून का जन्मदाता है, राज्य के कानून ही सर्वोपरि है, लेकिन यहां पर लास्की ने इन चीजों को स्वीकार नहीं किया है। उसने कहा है कि, जैसे उन्होंने कहा कि कानून प्रभु सत्ताधारी का आदेश है, ऑस्टिन कहता था, लेकिन लास्की इससे सहमत नहीं है। जो उन्होंने कहा कि अपने आप में राज्य संप्रभु है, वह दूसरों को आदेश दे सकता है लेकिन उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई सीमाएं नहीं होती है, वह स्वयं नियंत्रणों से परे है, लास्की इससे सहमत नहीं है। लास्की कहता है कि व्यवहार में हम देखें तो ये संभव नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लास्की ने किस प्रकार एकल संप्रभुता का खंडन किया। पहली बात तो लास्की कहता है कि जिस ऐतिहासिक वाद की हम बात करते हैं कि राज्य संप्रभु था, राज्य संप्रभु बना, ये कह रहा है कि वो एक राज्य को वो सारी शक्तियां केंद्रित करनी पड़ी, उसको दी गई। क्यों दी गई? उसके लिए वो कारण बताता है कि तात्कालिक परिस्थितियां ऐसी थी, जैसे ब्रिटेन के संदर्भ में बात करता है कि 16वीं शताब्दी में जो धार्मिक संघर्ष जिस तरीके से हुए राज्य और धर्म सत्ता के बीच में, इनमें राजा, संसद, वहां के लोगों के बीच में, तो उन्होंने कहा कि पूंजीपति, सामंत, जमींदार, कई इस तरह के जो शक्ति के पॉइंट्स बन गए थे, जब उनमें संघर्ष शुरू हुआ, तो उस समय लास्की मानता है कि उस समय एक शक्तिशाली राजनीतिक केंद्र की आवश्यकता हुई और इसलिए धीरे धीरे सारी शक्तियां उस समय तात्कालिक परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए वो शक्तियां किसमें चली गई, वो वहां राजनीतिक जो संस्थाएं थी उनको वो शक्तियां दी गई। लेकिन लास्की कहता है कि वो उन परिस्थितियों में था, वर्तमान परिस्थितियां अब वैसी नहीं है, वो केवल एक परिस्थिति विशेष के लिए कुछ शक्तियां ज्यादा उनको दी गई थी।
तो पहली तो वो ये बात करता है कि अब वर्तमान में वो जो निरंकुशता का जो दौर था वह लगभग अब समाप्त हो चुका है, अब ऐसी परिस्थितियां नहीं है। दूसरा वह कहता है कि संप्रभुता धारी के आदेश हैं वो असीमित हैं, तो लाश की असीमित भी नहीं मानता है। ये कह रहा है कि हम वो जैसे आप बार बार आप देखेंगे कि लास्की ने देखिए इन लास्की ने अपने बहुलवादी विचारों पे वो यद्यपि लास्की के विचार बहुत बदलते रहे हैं लेकिन जहां बहुलवाद की है वो ये कहता है कि राज्य ही सर्वोपरि नहीं है, सब कुछ राज्य डिसाइड करे ये संभव नहीं है। वो कहता है कि जिस जहां आप रहते हो वहां आर्थिक समुदाय भी है, राजनीतिक समुदाय भी है, सामाजिक समुदाय भी है और व्यक्ति हर समुदाय से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो वो कहता है कि वो अपनी राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति किससे हो रही है, राज्य से हो रही है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो राज्य बाकी सारे समुदायों के ऊपर हो गया। वो कह रहा है कि अन्य समुदायों की तरह वह भी एक समुदाय है जो राज्य के लोगों के राजनीतिक जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनकी पूर्ति करता है, राजनीतिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि बाकी सारे समुदायों का कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है ना। तो यहां अनेक तरीकों से हमने भी बात की कि वो असीमितता का वो कहता है कि संप्रभुता असीमित है। संप्रभुता की एक परिभाषा में आपने पढ़ा है कि संप्रभुता असीमित होती है, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, उसके आदेश हैं, राजा के आदेश हैं, वो सर्वोपरि हैं। तो यहां भी ब्रिटेन का एग्जाम्पल देते हुए लास्की कहता है कि ब्रिटेन में ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता जो परंपराओं के विरुद्ध हो, जो वहां के अभिसमों का उल्लंघन करता हो, ठीक है। इसका मतलब जो नैतिकताएं डेवलप हैं, कोई भी राजा कोई भी संसद ये कह रहा है कि उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो नैतिकताओं को छोड़ते हुए कानून बना दे। इसका मतलब लास्की कहता है कि फिर राज्य असीमित कहां रहे, ठीक है। एक लिमिट तक, जब तक नैतिकताओं का उल्लंघन नहीं करते वहां तक, इसका मतलब लोगों की सहमति है उसके अंदर, लोगों ने सहमति दे रखी है कि यहां तक आप कानून बना सकते हो, तो ये कंट्रोल किसका हो गया। यहां लास्की कहता है कि ये कंट्रोल, ये जन सहमति का कंट्रोल हो गया, ये परंपराओं का कंट्रोल हो गया। तो इन कंट्रोलिंग के अधीन रहते हुए ही जब राज्य काम करता है तो फिर वो कह रहा है, लास्की कहता है कि फिर वो संप्रभु कहां रहा। वो असीमित संप्रभु की परिभाषा जो ऑस्टिन वगैरह देते हैं वो कह रहे हैं कि व्यवहार में हमें कहीं ऐसा दिखाई नहीं देता है। तो इस दृष्टि से भी आप ये बता सकते हैं। इसी तरीके से जो लास्की कहता है कि राज्य चूंकि एक अदृश्य या एक अमूर्त संस्था है, ठीक है। अब मूर्त रूप में ये कह रहा है कि हमें मूर्त रूप में क्या दिखाई देती है, सरकारें दिखाई देती है, ठीक है। तो सरकारें कौन चुनता है, सरकारें हैं वो जो राज्य का स्वरूप है, जिनके माध्यम से राज्य का शासन चलाया जाता है संप्रभुता की परिभाषा में। तो लास्की कहता है कि ये बड़ा एक, कई बार अपन राज्य की बात करते हैं तो वो कह रहा है कि राज्य हमें एक अमूर्त दिखाई थोड़ी देता है। राज्य के कार्यों का संचालन किसके द्वारा हो रहा है, सरकार के द्वारा, अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से वो संप्रभुता किसके पास है, सरकार के पास है। लेकिन लास्की कहता है कि यहां भी हम एकल संप्रभुता हमें देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि कोई भी सरकारें, चाहे निरंकुश जो सरकारें हैं, वो भी आज तक वहां नहीं रही है जहां उन्होंने जनता के विरुद्ध कार्य करना शुरू कर दिया, जहां जन सहमति के विरुद्ध उन्होंने शासन किया है। बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई है या आज आप देखते हैं कि चुनाव होते हैं, तो राज्य यहां भी सरकार के रूप में भी संप्रभु किस रूप में दिखाई देता है। लास्की कहता है कि मेरी समझ से परे है कि कहां एकल संप्रभुता व्यवहार में हमें दिखाई देती है। अपनी पुस्तक ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में उन्होंने बड़े शानदार तरीके से इसको शुरुआत की थी बहुलवाद की, और उसके बाद में अथॉरिटी इन द मॉडर्न स्टेट में उन्होंने और इन चीजों को काफी डिटेल से लिखा है। तो जो लास्की की प्रसिद्ध पुस्तकें हैं उनको आप लोग उनके कुछ स्पेशली जब आप देखना चाहे तो पीडीएफ में आप कुछ डाउनलोड करके उन चीजों को भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने और डिटेल में क्या बातें कही है। इसी तरीके से लास्की इस बारे में भी कहता है कि राज्य के कानून ही व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, तो लास्की यहां भी एकल संप्रभुता का खंडन करता है। वो कहता है कि राज्य के कानून ही नहीं बल्कि व्यक्ति जिन समुदायों से जुड़ा रहता है उन समुदायों के नियम भी उसके जीवन को प्रभावित करते हैं। ये कह रहा है कि समुदाय जितने प्रभावित करते हैं
राज्य भी उतना प्रभावित करता है। ऐसा नहीं कि केवल राज्य के नियम ही व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, हर व्यक्ति की अपनी एक संस्कृति है, अपना एक समाज है, एक समुदाय है, एक उसका तो सांस्कृतिक समुदायों से प्रभावित होता है, वो सामाजिक समुदायों से प्रभावित होता है, धार्मिक समुदायों से प्रभावित होता है। और ये कह रहा है कि ये सब चीजों से प्रभावित होकर वह अपने जीवन की गति को आगे बढ़ाता है। इसलिए केवल राज्य के कानून के अनुसार ही व्यक्ति चलता है, ऐसा लास्की कह रहा है कि यह संभव नहीं है, बल्कि इन सामाजिक दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए, इन सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए, इन समुदाय के विभिन्न रीति रिवाजों नियमों को ध्यान में रखते हुए राज्य अपने कानूनों को उस तरीके से ही बनाता है। ये कह रहा है कि वो वहां राज्य के कानून नहीं बल्कि राज्य पर सांस्कृतिक और उन समाजों की नीतियां व्यवस्थाएं हावी होती है, प्रभावी होती है। अतः इस दृष्टि से भी वो कहता है कि राज्य उसी तरीके से, अर्थात व्यक्ति को जैसे राज्य प्रभावित करते हैं, जैसे कहते हैं राज्य ही प्रभावित करते हैं, ये कह रहा है केवल राज्य ही प्रभावित नहीं करते हैं, अन्य समुदाय भी व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं, व्यक्ति की गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। समझ गए आप इस चीज को? तो यहां मुख्य रूप से आपको ये स्पष्ट करना है कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इससे पूर्व में हॉब्स, ऑस्टिन और बोदा जैसे विचारकों ने जहां समाज और राज्य में कोई भेद ही नहीं किया, वहां लास्की एक राज्य और समाज में दोनों में भेद करता है। वो कहता है कि राज्य वह है जो राजनीतिक निर्णय लेता है। राजनीतिक निर्णय किस आधार पे? आम सहमति के आधार पे, सामान्य हितों के आधार पे, ठीक है। वो कह रहा है कि उन सामान्य हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य नीतियों का निर्धारण करता है, बस ये उसका कार्य है। उसी तरीके से समाज में के जो नियम है, समाज के जो अन्य संगठन है, उनके अलग काम है, उनके अलग तरीके हैं, लेकिन ये कह रहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य उनमें सर्वोपरि है, ठीक है। बस ये कह रहा है कि राज्य का एक सबसे बड़ा कार्य ये है कि अन्य समुदायों में जहां व्यक्ति ऐच्छिक रूप से मेंबर होता है, सदस्य होता है, बस राज्य केवल इस दृष्टि से थोड़ा भिन्न है कि राज्य की जो सदस्यता है वो उस राज्य की परिधि, उस राज्य की प्रादेशिक जो सीमा है उसमें रहने वाले व्यक्ति को अनिवार्य होती है, ठीक है ना। तो इस दृष्टि से वो कहता है कि केवल इस कारण से व्यक्ति, हर व्यक्ति है वो राज्य का सदस्य है, लेकिन भिन्न भिन्न समुदायों का सदस्य होना ये उसके हाथ में होता है कि वो किसको स्वीकार करे किसको नहीं करे। आप चाहें आप किसी आप जातिगत संगठन में जुड़ सकते हैं, नहीं चाहे तो आप नहीं जुड़ेंगे। आप चाहें किसी आप इकोनॉमिक मान लो विद्यार्थी संगठन में जुड़ना चाहें, जुड़े नहीं जुड़े तो आप नहीं जुड़ सकते हैं, दूसरे संगठन में जुड़ सकते हैं, तीसरे में जुड़ सकते हैं, आप समाज में किसी अन्य। तो ये कहने का मतलब है कि वो सारे ऐच्छिक हैं, लेकिन राज्य की जो मेंबरशिप है, राज्य की सदस्यता है, वो क्या है? वो अनिवार्य है। अतः इस दृष्टि से थोड़ी भिन्नताएं जरूर है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं, लास्की कहता है कि इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्य ही सर्वोपरि है, राज्य जैसा चाहेगा, व्यक्ति राज्य के अधीन उस तरीके से हो जैसे हॉब्स, ऑस्टिन और बोदा बताते हैं। तो लास्की ने इनका बिल्कुल इस मामले में वो खंडन करता है। तीसरी जो फोर्थ जो बात हम करें वो बात आती है एकल संप्रभुता का खंडन करते हुए। लास्की बिल्कुल स्पष्ट कहता है कि नैतिकताएं, यहां देखिए ग्रीन का प्रभाव उसके ऊपर है, ग्रीन के विचारों से काफी प्रभावित रहा है और नैतिक कल्याण को उसने बड़ा इंपोर्टेंट एक जगह दी है कि नैतिक कल्याण के विरुद्ध, मतलब अपन जब बात करेंगे थोड़ी सी और आगे बढ़ेंगे अपन लास्की के सिद्धांतों में, तो लास्की कहता है कि राज्य के कानून मानने के लिए हर व्यक्ति बाध्य नहीं है, उस स्थिति में यदि वो अपने मूल आधारों को राज्य छोड़ देता है। मूल आधारों का मतलब कि जहां व्यक्ति के अंतःकरण में जो नैतिकताएं हैं, उन नैतिकताओं के विरुद्ध यदि उसके ऊपर कोई कानून बना के थोपा जाता है, तो उस स्थिति में व्यक्ति उस राज्य के कानून को नहीं मानने के लिए, या आप ये कह सकते कि मानने के लिए बाध्य नहीं है। समझ गए आप इस चीज को? वो ये कह रहा है कि ये आवश्यक नहीं कि राज्य के जितने भी कानून हैं उनको वह मानेगा ही, यदि वो अंतःकरण या नैतिकता के विरुद्ध हैं तो उस स्थिति में वो राज्य के कानून नहीं भी मान सकता है। तो एक बेसिक आधार उसने दिया। इसी तरीके से ये कहता है कि यदि राज्य व्यक्तियों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता है, और बाद में चूंकि लास्की मार्क्सवाद से काफी प्रभावित हुआ था तो मार्क्सवाद का भी उसमें आया था, तो बाद में नैतिक कल्याण के स्थान पर उसने ले लिया था भौतिक कल्याण, ठीक है ना। और न्यूनतम जो भौतिक कल्याण है, आम जो समाज के लोग हैं उनके
यदि उन कल्याणों को ध्यान में या उनके विपरीत कोई कानून बनाता है राज्य, तो उस स्थिति में भी वो कहते हैं कि यदि भौतिक कल्याणों की पूर्ति नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में भी राज्य का विरोध करना, क्योंकि राज्य का मूल कार्य ही व्यक्ति की नैतिक और भौतिक कल्याण की व्यवस्थाएं करना है। यदि एक भी व्यक्ति की वो भौतिक कल्याण करने में असफल रहा है तो उस व्यक्ति को उस राज्य के आदेश मानने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा लास्की कहता है कि ये बेसिक आधार है। ठीक है, और इसी तरीके से लास्की यहां तक भी कहता है कि यदि जो नैतिक विकास और सामान्य हितों के विरुद्ध भी यदि कोई बात हो, सामान्य जो हित हैं उन सामान्य हितों के विरुद्ध भी यदि राज्य किसी प्रकार के आदेश देता है तो वहां भी वह कहता है कि राज्य के आदेश मानने के लिए व्यक्ति बाध्य नहीं है। तो हमने जो संप्रभुता का एकल संप्रभुता है उसके खंडन के पक्ष में लास्की ने कुछ अपने समर्थन में कुछ दावे रखे हैं कि एकल संप्रभुता व्यवहार में देखने को नहीं मिलती है, कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जो असीमित है ना आंतरिक दृष्टि से और ना बाह्य दृष्टि से। वो कहता है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि हर राज्य संप्रभु हो गया तो फिर मानवता को बहुत खतरे उत्पन्न हो जाते हैं, वहां उसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों की पालना करनी पड़ती है, अंतर्राष्ट्रीय जो नैतिकताएं हैं उनकी पालना करनी पड़ती है, अंतर्राष्ट्रीय शांति के जो नियम है उनकी पालना करनी पड़ती है। तो वो कहता है कि जब दूसरों की पालना करता है तो फिर ऑस्टिन और बोधा के अनुसार बताई जो संप्रभुता है, एकल संप्रभुता है, वो हमें दिखाई नहीं देती है। इसलिए वो कहता है कि एकल संप्रभुता की बात करना ही बेकार है। ठीक है ना, मतलब यहां तक वो कहता है कि इसको संप्रभुता के लिए लास्की ने काफी लिखा है कि भाई संप्रभुता जो राज्य की है वो उसका कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, राजनीति विज्ञान को इस पर ज्यादा महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए उस संप्रभुता का उसने दूसरा स्वरूप जो रखा बहुलवादी संप्रभुता। तो नेक्स्ट फेज में हम जानेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो है, कि अभी इसमें तो हमने देखा कि एकल संप्रभुता का पहले उसने खंडन किया है, वो नहीं मानता उन चीजों को, अब कैसे वो बताता है कि बहुलवादी संप्रभुता क्या है और बहुलवादी संप्रभुता के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए और एक राज्य के ऊपर किस प्रकार के जो नियंत्रण है या किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं वो लास्की स्वीकार करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर बात करेंगे।